To address the issue of toxic foam floating on the Yamuna, authorities sprinkled defoaming chemicals on Saturday in an effort to reduce pollution levels in the river ahead of Chhath Puja. However, local residents and activists expressed skepticism about the long-term effectiveness of such measures. देखो, डिफॉर्मिंग हर साल हमेशा डिफॉर्मिंग होती है और कई सालों से चल रहा है। ये भी एक तरह का एक केमिकल को हटाने के लिए दूसरे नए केमिकल का छिड़काव हो रहा है। सिलिकॉन की मात्रा आप देख सकते हैं, ये छिड़काव जो हो भी रहा है तो पानी का डिफॉर्म होकर भी पानी तो उसी में ही रहना है, ऐसा कोई फिल्टर तो नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं कि कुछ टाइम के लिए आप डिफॉर्मिंग कर देंगे, उसके बाद क्या आपको अभी भी हज़ारों करोड़ जो हमारा है इस तरह के खर्चों में ना करके एसटीपी को दुरुस्त करें। नहीं, डिफॉर्मिंग करने से चीज़ें नहीं सही हो पाएंगी, क्योंकि इससे जो आपका झाग बना हुआ है झाग खत्म हो जाएगा थोड़े दिनों के लिए। फिर उसके बाद देखिए पीछे जो डिफॉर्मिंग हो रही है वहाँ से आ रहा है तो झाग बनता जा रहा है, जबकि वहाँ पर नाव लगा के झाग को हटाया गया। तो इससे नहीं, ये तो होता है थोड़ी टाइम के लिए, मतलब मान के चलिए 2-4 दिनों के लिए आप कुछ घंटे के लिए ही फोक को हटा सकते हैं, उसे फोक को हट जाता है बस डिफॉगिंग से। Local residents also voiced concerns about what they allege is a wastage of public money in the name of finding solutions, urging city residents to become part of efforts to clean the river. सरकार के साथ साथ आम नागरिक भी उतना जिम्मेवार है, क्योंकि वो अगर अपनी भूमिका निभा ले तो शायद आज हम लोग यहाँ पे ना होते, क्योंकि जो घरों से निकलने वाले हाउस होल्ड की जिम्मेवारी होती है वो सरकार की होती है, मतलब आम इंसान की होती है। पर वो जो सरकारों को पैसा दिया था, इसीलिए टैक्स के रूप में पैसा दिया था कि वो जो लोगों को बेसिक सुविधा देगी। आप देख सकते हैं दिल्ली में तीनों चीज़ें इतनी बुरी हो चुकी है ना, आपको जल प्रदूषण, थल प्रदूषण और वायु प्रदूषण इतनी तरह से भयंकर कर रहा है। लोग हज़ारों करोड़ रुपये बीमारी के स्कैम्स में लगा रहे हैं, जो इस तरह की एसटीपीज़ के लिए जो हज़ारों करोड़ रुपये दिए जाते हैं, मगर एसटीपीज़ आप देखेंगे वो काम ही नहीं कर रही हैं। Pollution in the Yamuna has put the health of lakhs of people at risk as the river supplies a significant portion of Delhi's drinking water. Additionally, during the 4-day Chhath Puja, which begins on Tuesday, lakhs of devotees are expected to take a holy dip in the river.